बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबसे पहले मैं इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो रियासती दहशतगर्दी की गई, जो जुल्म सितम आशिकाने रसूल पर ढाया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं दुआ करवाना चाहती हूँ उन आशिकाने रसूल के लिए जो नामूस रिसालत पर पहरा देते हुए जख्मी हुए, शहीद हुए। मैं इस ऐवान के तवस्सुत से वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से सवाल करती हूँ कि किस जवाज के तहत TLP को कल अदम करार दिया था। मौजूदा वजीर आजम, वजीर दाखला, उनके मुल्क सालमियत के खिलाफ बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो किस लिए उन्होंने हमारे साथ, हमारे किसी रहनुमा का बयान, मैं चैलेंज करती हूँ स्पीकर साहब, हमारे किसी रहनुमा का मुल्क सालमियत के खिलाफ बयान रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। आप लोग, मैं चैलेंज करती हूँ इस बात के लिए। हमारी तहरीक लबैक पाकिस्तान पुर अमन है, हमने कभी भी अपने साथ हुई ज्यादतियों पर कभी भी एहतजाज नहीं किया, लेकिन हमने हमेशा हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस पर या खत्मे नबूवत पर जब भी हर्फ आया, हमने हमेशा उसके लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए एहतजाज किया, अपना पूरा मन एहतजाज किया, क्योंकि यह हर मुसलमान पर फर्ज है। जिस तरीके से दीन-ए-इस्लाम मेहरबानी जी।